सभी को हैप्पी साबत और ईशु साय। ईश्वर पिता का बहुत बहुत धन्यवाद है कि मैं फिर से मुझे मौका मिला है। आइए हम सभा को शुरू करने के पहले बाइबल से एक बात पढ़ेंगे जो मिलता है भजन संहिता, भजन संहिता 7:7 और उसका एक ही पद मैं पढ़ूंगी। हे मेरे परमेश्वर यहोवा, मेरा भरोसा तुझ पर है, सब पीछा करने वालों से मुझे बचा और छुटकारा दे। मैं फिर से पढ़ूंगी। हे मेरे परमेश्वर यहोवा, मेरा भरोसा तुझ पर है, सब पीछा करने वालों से मुझे बचा और छुटकारा दे। ईश्वर इस सुंदर वचन पर आशीष दे। इसी के साथ मैं आप सभी को स्वागत करती हूँ इस भेस्पर के मीटिंग में और धन्यवाद देती हूँ हमारे पादरी साहब को संग सर्विस में अगुवाई करने के लिए। और अभी हम सभा को आगे बढ़ाएंगे। और 39 नंबर का गाना गाएंगे, 34। हिंदी से छोड़ ना मुझे प्यारे यीशु। खुलना हो जाएगा तो सभा खड़ी हो जाएगी।
सरों को झुकाएंगे, प्रार्थना करेंगे। हे हमारे स्वर्गीय पिता, हम आपके पास आते हैं, लाखों लाख धन्यवाद देते हैं। आपने हमें पूरे दिन भर सुरक्षित रखा है और पूरे सप्ताह भर भी सुरक्षित रखा है पिता। और इस शब्द के शुरुआत में हम आपके भवन में इकट्ठे हुए हैं, आपको धन्यवाद देते हैं पिता, और आपकी स्तुति महिमा के लिए हम इकट्ठे हुए हैं। हमारे साथ रहिए और प्रार्थना करते हैं, जो लोग दुख तकलीफ में हैं, बीमार में हैं, उनके साथ रहिए, उन्हें भी आप चंगा कीजिए, ताकि वो भी चंगे होके आपको धन्यवाद दे सके। हम यहाँ जितने भी उपस्थित हैं, हमारे साथ रहिए, और हमारे जितने भी दुख और तकलीफ हैं, रोग बीमारी हैं, सभी को आप चंगा कीजिए, और हमारे बीच में आज उपस्थित रहिए पिता। और अभी जो कुछ भी मैं बाइबल से वचन पढ़ूंगी, बताऊंगी, उसमें भी आप सहायता मदद कीजिए, मेरे साथ रहिए पिता। और क्या मांगे, हमारे हर एक पाप गुनाहों को क्षमा कीजिए। छोटी विनती मसीह यीशु के नाम मांगते हैं, दया करके स्वर्ग में सुन के ग्रहण कीजिए, आमीन। बैठ जाएंगे। ईश्वर पिता को मैं फिर से धन्यवाद देती हूँ कि मुझे मौका मिला है इस पर में उनके वचन को बताने के लिए। आइए हम खोलेंगे दूसरा कुरिन्थी 12। दूसरा कुरिन्थी 12 का 9 और 10 को हम पढ़ेंगे। यहाँ पर ऐसा लिखा है, पर उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। इसीलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूंगा कि मसीह की सामर्थ मुझ पर छाया करती रहे। यहाँ पर पौलुस यहाँ कह रहा है, इसीलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूंगा कि मसीह की सामर्थ मुझ पर छाया करती रहे। और इससे पहले हम पढ़े थे, पर उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है। ईश्वर ने पौलुस को दर्शन दिया था और वहाँ पर
उसके दर्शन में पौलुस ने यह सब सुना था, पर उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। इसीलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूँगा कि मसीह की सामर्थ मुझ पर छाया करती रहे। और 10 में कहता है, इस कारण मैं मसीह के लिए निर्बलताओं में और निंदाओं में और दरिद्रता में और उपद्रव में और संकटों में प्रसन्न हूँ, क्योंकि जब मैं निर्बल होता हूँ तब भी बलवंत होता हूँ। यहाँ कोई भी मनुष्य अगर उसमें कोई चीज़ की कमी घटी है, निर्बल है, दुर्बल है, कोई भी चीज़ की कमी है उसमें, तो हमें से प्रत्येक के साथ ईश्वर हमारे साथ रहते हैं और उनका अनुग्रह हम पर बना रहता है, क्योंकि हम उनके बताए हुए रास्ते पे चलते हैं और हमें हमेशा घमंड करते रहना चाहिए, क्योंकि ईश्वर हमारे साथ हर समय, हर संकट में, हर तकलीफ में हमारे साथ रहते हैं और हमारी सहायता करते हैं। और उनका जो सामर्थ है वो हम पर बनी रहती है, हम पर छाया करती है और हम हमेशा बलवंत होते हैं। आइए हम आगे देखेंगे। और इब्रानी 13 का 5-6 को देखेंगे। तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो और जो तुम्हारे पास है उसी पर संतोष करो, क्योंकि उसने आप ही कहा है, मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा और ना कभी त्यागूंगा। इसीलिए हम निडर होकर कहते हैं, प्रभु मेरा सहायक है, मैं ना डरूंगा, मनुष्य मेरा क्या कर सकता है। जो हमारे पास है हम उसी में संतोष करके रहते हैं, जो कुछ भी है, हम गरीब भी हैं, हमारे पास कुछ भी नहीं है, तो भी हमको खुश रहना चाहिए कि नहीं, ईश्वर हमारे साथ है, और जो नहीं है हमको एक ना एक दिन ज़रूर मिलेगा। तो गरीबी में हो या दुख में हो या तकलीफ में हो, हमें हमेशा ईश्वर पर भरोसा रखना चाहिए, वो हमारा सहायक है। और हमें किसी भी दुख तकलीफ अगर हमारे बीच में आता है तो हमें नहीं डरना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर हमारा महान परमेश्वर है, हमारे साथ हमेशा रहता है, हमारे साथ हमेशा खड़ा रहता है और हमें हर एक दुख तकलीफ से बचाता है। और इस तरह हम नीति वचन में भी देखेंगे, नीति वचन 3 में यहाँ बोलता है, 3:1-4 में, हे मेरे पुत्र, मेरी शिक्षा को ना भूलना,
अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रहना, क्योंकि ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी और तू अधिक कुशल से रहेगा। कृपा और सच्चाई तुझसे अलग न होने पाए, वरन उनको अपने गले का हार बनाना और अपने हृदय रूपी पटिया पर लिखना, तो तू परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह पाएगा, तू अति बुद्धिमान होगा। यहाँ भी ईश्वर हमें बोल रहे हैं कि हम अपने शिक्षा से नहीं, क्योंकि परमेश्वर हमें अच्छा आज्ञा दिया है, अगर उसी के अनुसार हम चलते हैं तो हमें किसी भी बात की कमी घटी नहीं होगी, अधिक कुशल से रहेगा बोलता है यहाँ। आयु भी बढ़ेगी हमारी अगर हम उनके बताए हुए रास्ते पे चलते हैं, और कृपा और सच्चाई तुझसे अलग ना होने पाए बोलता है। हम हमेशा सच्चाई के रास्ते पे चलेंगे तो ईश्वर हमारे साथ हर समय रहेगा और हमारी सहायता मदद हर समय करते रहेगा। इसलिए बोलता है ईश्वर का वचन हमें अपने हृदय पर लिख लेना चाहिए और तो हम ईश्वर का और मनुष्य का दोनों का अनुग्रह पाएंगे यहाँ बोलता है, और अति बुद्धिमान भी हो जाएंगे। इसी तरह हम देखेंगे यर्मिया की किताब में यर्मिया 29:12-13 में यहाँ बोलता है, तब उस समय तुम मुझको पुकारोगे और आकर मुझसे प्रार्थना करोगे और मैं तुम्हारी सुनूंगा। तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे भी, क्योंकि तुम अपने संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे। और यहाँ 14 में बोलता है, मैं तुम्हें मिलूंगा, यहोवा की ये वाणी है बोलता है। अगर हम ईश्वर के पास संपूर्ण मन से जाएं, प्रार्थना करें, तो हमारी हर एक दुख और तकलीफ दूर हो सकते हैं और ईश्वर हमारी प्रार्थना को ज़रूर सुनेंगे। कभी कभी देर हो जाती है, लेकिन जो हम मांगते हैं वो हमें मिलता है। तो ईश्वर पर हमेशा भरोसा रखना चाहिए और हमें इसी भरोसे के साथ जीना चाहिए कि ईश्वर हर समय हमारे साथ रहते हैं, हमारे हर एक तकलीफ में हमारी सहायता मदद करते हैं। अगर हम पर कोई मुसीबत भी आए तो वो हमारी मदद करते हैं। मैं इतने ही बोल के अंत करूँगी। ईश्वर इस वचन पर आशीष दे।